हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले और प्याज की सब्जी। इसे बनाना बहुत आसान है। वैसे तो करेला कड़वा होता है, पर आज हम जिस तरीके से बनाएंगे उस तरह से करेला कड़वा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पंचफोरन का यूज किया है। पंचफोरन यानी कि पांच तरह के मसाले जिसे हम तड़के में यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच सौंफ लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून सरसों, 2 पिंच मेथी दाना, 2 पिंच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े प्याज जिसे कि मैंने लंबे शेप में काट लिया है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें सरसों के तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ कच्चा आम। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप आमचूर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम करेला ले लिया है जिसे कि मैंने धो करके राउंड शेप में काट लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से करेला अपना कड़वा पानी छोड़ेगा जिससे कि हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए, मैंने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट कर लिया था। अब आप देख सकते हैं करेला अपना पानी छोड़ने लगा है, ये देखिए। तो अब हम करेले को निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे साफ पानी से धो लेंगे ताकि करेले का जो भी कड़वापन है वो निकल सके। तो ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से साफ पानी से 2 बार धोएंगे। तो ये देखिए, हमने करेले को 2 बार धो करके पानी से निकाल लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म हो जाने पे हम इसमें करेले को डालेंगे। आप चाहे तो सरसों के तेल की बजाय आप रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जिससे कि करेले का कड़वापन कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे करेले को निकाल करके रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं करेले निकालने के बाद ऑयल हमारे पास थोड़ा सा बच चुका है, तो इसी में हम 5 फोरन डालेंगे और इसे हम चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले चटकने लगे हैं। तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हम हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इससे ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले पक चुके हैं। इसमें हम ग्रेट किया हुआ कच्चा आम डालेंगे। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं जिससे कि कड़वापन नहीं रहेगा। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ करेला डालेंगे, साथ ही साथ हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने पहले भी करेले में डाला था तो उस हिसाब से हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मैं इसे करीब 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगी ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।